बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरफीन, आप देख रहे हैं ऑल रिपेयर डीआईवाई। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग घर पे सीरीज़ टेस्टिंग बोर्ड कैसे बना सकते हैं, सीरीज़ बोर्ड कैसे बना सकते हैं। सीरीज़ बोर्ड दोस्तों वो होता है जिससे कोई भी चीज़ आप लोग चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो है आपको चाहिए होगा सीरीज़ बोर्ड बनाने के लिए एक होल्डर चाहिए होगा जिसमें लाइट लगाते हैं, एक बल्ब और एक तार। तो होल्डर को आपने ऊपर से इसका कैप हटा लेना है और इसके पॉइंट जो है दो पेच लगे हुए होते हैं वो इधर से खोल लेने हैं। इसके बाद आपने कुछ इस तरह की दो तारों वाली तार लेनी है और इस तार को अभी हम जो है इधर से खोल लेते हैं। थोड़ी सी खोलने के बाद एक्स्ट्रा तार को हम काट देंगे और इसकी जो है इंसुलेशन ऊपर से हटा लेंगे। इसके बाद इसको अच्छे से इसको मोड़ लेंगे, ट्विस्ट कर लेंगे ताकि कोई भी लूजिंग बाकी ना रहे। इसके बाद ये दो तार होंगी, दोनों तार आपने जो है होल्डर के दोनों पॉइंट के अंदर लगा देनी है। एक तार एक पॉइंट के अंदर और दूसरी तार दूसरे पॉइंट के अंदर लगा देनी है। दोस्तों वीडियो मुकम्मल देखिएगा तभी आपको समझ आएगी, अगर आप थोड़ी वीडियो देखकर चले जाएंगे तो बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और अच्छी अच्छी नई वीडियो मिल सके। तो इधर से जो है स्क्रू टाइट हो चुके हैं, अब तार का जो दूसरा सिरा है वो जो है इधर से गुजार देना है इसकी कैप में से। इसका जो ऊपर का बॉडी होती है, ऊपर का खोल होता है, उसमें से आपने इसको गुजार लेना है और इसको जो है फिर बंद कर देना है। ये चूड़ी होती है, इधर आप बंद करेंगे तो स्क्रू की तरह ये भी बंद हो जाता है। आप इसकी जगह पे जो है पियानो होल्डर ले सकते हैं, बोर्ड भी बना सकते हैं। सिंपली मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये देख सकते हैं आप लोग दो तारें होंगी, केबल के ऊपर की इंसुलेशन आपने हटा लेनी है लेदर, और जैसे ही हटाएंगे तो दो तारे नज़र आएंगे आपको इधर से दो तारे आपको देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल सही नज़र आ रही है। इसमें से कोई भी आपने एक तार ले लेनी है और उसको बीच में से काट देना है। अब इसको बीच में से काट दिया है, एक तार को आपने काटना है, दूसरी को नहीं काटना है। अब इधर से आपने कोई भी दो तारों वाली एक तार और ले लेनी है ताकि आपका जो सीरीज़ बोर्ड की लीड है, मेन लीड, वो लंबी हो सके जिससे आप चीज़ें टेस्टिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह की तार ले लेनी है, हम थोड़ी अच्छी तार ले लेते हैं और इसके दोनों सिरों को इंसुलेशन हटा लेते हैं। तो इंसुलेशन हटाने के बाद ये दो तार आपने जो आपने तार काटी थी उसके दोनों सिरों पर जो है ये तार आपने लगा देनी है। तो दोनों सिरों पर तार लगा ली है और अब इसको जो है अच्छे से ट्विस्ट करके मोड़ के इस पे अच्छे से टेपिंग कर लेंगे। याद रहे जो उनसे आपने तार काटी है उसके दोनों सिरों पर लगानी है, दूसरी तार आपने नहीं काटनी है, ठीक है जी। तो अभी जो है ये कुछ इस तरह से बन गई है, अच्छे से इसको टेप कर लेंगे। अच्छे से इसको टेप करनी है ताकि आपको कोई भी शॉक ना लगे। दोस्तों वीडियो को लाइक लाजमी किया करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो हम बना सकें। और चैनल के भी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर भी क्लिक करना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो लोग इन वीडियो को पसंद करते हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमने टेप लगा ली है। इसके बाद आपके पास ये दो जो है तार होंगी जो बीच में से काटी हुई होंगी। अभी जो है हमने जो है ये बल्ब ले लेना है, कोई भी 100 वाट का ले लें, 50 वाट का ले लें या फिर कोई भी एलईडी बल्ब ले लें। उसको इसमें हम अडाप्टर लगा के, क्योंकि चूड़ी वाला बल्ब लगता है इसमें होल्डर में नए जो आते हैं, और ये मेरे पास पुराना बल्ब है, ये पिन वाला है, तो मैं इसमें जो है कन्वर्टर अडाप्टर लगा के तो लगा लेता हूँ। आप सिंपली बल्ब लगा सकते हैं। तो इधर से लगा लिया है, अब ये दो तारें जो हमने बीच में से काटी थी ये वो वाली हैं और दो तारें जो है पीछे से मेन जो है वो दूसरी हैं। तो ये जो बीच में से काटी थी उसको साइड पे करना है, ये हमारी टेस्टिंग लीड होगी और पीछे वाली तार आपने मेन पर लगा देनी है। अब आप लोग देख सकते हैं जैसे ही हम इसको भिड़ा रहे हैं आपस में तो ये बल्ब हमारा जल रहा है। तो ये हमारा बन चुका है सीरीज़ बोर्ड। तो अभी मैं आपको इससे चीज़ें भी चेक करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें चेक हो रही हैं। अब ये बल्ब भी मैंने चेक कर दिया है, आपको देख सकते हैं आप।